बम होता है ना बम, तो एक बम में इतना इम्पैक्ट पड़ गया है। रेडर, 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 रेडर। गैस पूरी 20% गैस। सोडा, बेकिंग सोडा बोल के वो जो तम्बाकू सा चूना आता है ना वो लगा दिया लोगों ने। नहीं बिल्कुल नहीं ब्रो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन बलूनी और सुबह के बज रहे हैं 8:15 के करीब और अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली, देहरादून से दिल्ली जा रहे हैं किसी काम के लिए। हफ्ते भर के लिए शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे। एंड हम जा कैसे रहे हैं, हम जा रहे हैं 125 सीसी की बाइक के ऊपर जो है TVS रेडर, मेरी TVS रेडर, उसके ऊपर हम जा रहे हैं। एंड अभी आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से जा रहे हैं, कितना सामान हमारे पास है एंड किस तरीके से उसको मैं लोड करके, बंदा पीछे बैठेगा, कौन बंदा आगे बैठेगा, रोटेशन कैसे होगी, सब कुछ बताएंगे आपको। एंड इस ब्लॉग में बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है ये, बिकॉज 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 125 सीसी की बाइक है, दो बंदे हैं, एक का वज़न है 98 किलो, एक का वज़न है 80 किलो और सामान का वज़न टोटल है लगभग 45 से 50 किलो। शुरू करते हैं ब्लॉग। तो सामान की अगर बात की जाए तो ये रहा एक 30 किलो का रक्सैक जिसमें दो बंदों के सामान है भाई, भरा पड़ा है, मतलब भरा पड़ा है, सांस लेने की जगह नहीं है बेचारे को। और एक ये है, इसमें हमारे लैपटॉप्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ। कम से कम ही कितने का होगा भाई, 15 किलो का तो यही होगा, 10 किलो का ये भी मैं कम बोल रहा हूँ, 15 किलो मेरे को, 10 किलो का भाई, 10 से 15 के बीच होगा। कमेंट्स में बताना कितने किलो का लग रहा है आपको, ठीक है भाई, अनशंड भारी है। एक वो बैग है उसमें अभी कुछ सामान डाल के इसके साथ अटैच करेंगे, बंदा पीछे वाला जो बैठेगा इसको टांग के बैठेगा और उस बंदे की लगेगी बहुत अच्छे से, और जो ड्राइवर होगा वो इसको पहन के ड्राइव करेगा फ्रंट की तरफ। और बाइक कौन सी है भाई, 125 सीसी की रेडर, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी 50-50 किलोमीटर पे हम रुकते रहेंगे, बाकी अब दिखाते हैं बाइक पे क्या सेटिंग पोस्चर है हमारा। तो भाई ये हमारी सवारी, ये रही TVS रेडर मेरी, बैग देख लो कितना भारी पहन रखा है। ट्रिप की शुरुआत मैं पीछे बैठने से कर रहा हूँ, सौरे भाई चला रहा है और आगे लैपटॉप बैग टैंक के ऊपर सपोर्ट मिल जाएगा, तो बेसिकली जो पीछे बैठेगा उसी की लगेगी अच्छे से, चलाने वाले की फिर भी कम लगेगी, तो इस तरीके से हम बैठ के जाएंगे। राइडिंग पोजीशन ये रहेगी और हेलमेट सेफ्टी के लिए दोनों पहनेंगे, अभी नहीं पहन रहा हूँ बिकॉज अभी आपको दिखा रहा हूँ अपनी शक्ल और अभी निकल जाएंगे भाई। 30 किलोमीटर करे हैं अभी, मोहंड पे हैं, डाट काली मंदिर से आ गए हैं और क्या हुआ है कि बम होता है ना बम, तो एक बम में इतना इम्पैक्ट पड़ गया है अभी दोनों के, पता नहीं क्या हुआ है क्योंकि लोड है इतना सारा। पहले भी यार हम लोग गए थे ना, हम गए थे पहले 200 किलोमीटर गए हैं इस बाइक के ऊपर, लेकिन ऐसे ज़्यादा कोई बम में दिक्कत नहीं हुई थी, अभी बम में हो गई है दिक्कत, तो अभी पता नहीं क्या होगा। चाय पीने रुके हुए हैं और सामान यहाँ पर इस तरीके से है भाई, देखो। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम आपको अपनी जर्नी क्यों नहीं दिखा रहे हैं, कि बाइक चलते हुए नहीं दिख रही है या फिर रास्ता नहीं दिख रहा है आपको इस ब्लॉग के अंदर, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई GoPro वगैरह नहीं है, फ़ोन से ही शूट हो रहा है एंड थोड़ा अनसेफ रहेगा अगर हम बाहर फ़ोन निकाल के ध्यान उस पर रहा रादर देन बीइंग ऑन द रोड, तो इस वजह से माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ बेयर विद मी अगर आपको इसमें नहीं दिख रहे हैं कोई ऐसे शॉट्स इसमें। हाँ, जहाँ जहाँ हम रुकते रहेंगे वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस देते रहेंगे एंड इनफैक्ट आपको कल को पता ये भी लग जाएगा कि यार ये बाइक लेने लायक है कि नहीं है लंबे ट्रिप के लिए, है ना, कर सकते हो या नहीं, तो प्लीज़ बेयर विद मी अगर आपको उसमें कोई सिनेमैटिक शॉट वगैरह नहीं दिख रहे हैं या फिर आपको जर्नी नहीं दिख रही है, बट मज़ा आपको पूरा आने वाला है क्योंकि भाई बन मस्का और चाय कैसी हो रही है, ये है देखो हमारा अभी मील जो हम ले रहे हैं, आगे फिर रुकेंगे मुजफ्फरनगर में खाएंगे, मुजफ्फरनगर से पहले भी रुकना ही है चेंज करने के लिए, फिलहाल भाई का तो ऐसी की तैसी हो गई, बोल रहा है दूध ज़रा डाल दिया चाय में। तो अभी डिस्टेंस हुआ है 54.9 किलोमीटर और शौर्य भाई की बम्मी में दर्द, बम्मी हो गया भाई को, ये देखो भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस बम ही हो रहा है जो हो रहा है, थोड़ा बहुत चलता है यार ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। जब चुल थी आप लोगों को दिखाना था, ब्लॉग करना था, आप लोगों को कंटेंट देना था हमको कि भाई दो बंदे बाइक पे इतने सारे सामान के साथ जा सकते हो, आपको एंटरटेन करना था, इसलिए ये कदम उठाया हमने। काम भी है वो अलग बात है, लेकिन जा दूसरे तरीके से सकते थे, बाइक से सिर्फ आप लोग के प्यार के लिए गए हैं। तो अगर मज़ा आ रहा हो, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, सब्सक्राइब कर देना और बने रहना चैनल पे, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स आते रहेंगे आपके लिए। खोखली पे आ चुके हैं भाई, खोखली, और अभी शौर्य भाई चलाएंगे गाड़ी क्योंकि बमी
ठीक है भाई, अब मैं पीछे बैठता हूँ, देखता हूँ कितनी देर पीछे बैठ पाऊंगा। तो अभी हम तेल चेक करते हैं, तेल कितना दिख रहा है अभी। ठीक है, अरे बाबा ये तो बहुत सारा है, अभी तो कुछ भी यूज नहीं हुआ 68 किलोमीटर में। तो ये सूंघ के चल रही है क्या भाई, क्या हो गया इसको? सही है, बहुत बढ़िया यार, चुम्मा ले ले रेडर। शौर्य भाई का पिछली जगह जहाँ रुके थे वहाँ तो मूड खराब हो गया था, लेकिन यहाँ पर बढ़िया मूड सही हो गया भाई, मूड सही हो गया ना। ये दूसरा पराठा है तो मंगाया है, तंदूरी पराठा, बटर देख लो भाई साहब, चाय भी एक नंबर है, और ये देख लो ये भी मेरी सेकंड सर्विंग है भाई, एक नंबर। जब आप ट्रैवल करते हो तो खाली पेट रहने से अच्छा है कि आप कुछ खा लो, आपकी मसल लॉस होगी अगर आप खाली पेट रहोगे। एंड क्योंकि इतना लोड लेके चल रहे हैं भाई, कैलोरीज चाहिए, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंडिचर भाई साहब बहुत हो रहा है। क्यों भाई शौर्य, मजा आ गया, नींद आ रही ना, यही सो जाए गद्दा लगा के। भैया आपकी शॉप का नाम क्या है? शॉप का नाम है ए एंड ए रेस्ट्रो पॉइंट। यहाँ पर आप जरूर आइएगा खाने भाई, जब भी आना होगा आप, एक नंबर पराठे मिलेंगे। भैया ने जैसे बोला था मजा आ जाएगा, वही मजा ही आ गया। ये रहे हमारे भैया। रास्ते में हम रुके हैं शूट करने एक जगह, और शूट देख लो हल्का सा स्निपेट, बाकी ऑटो मॉडल्स पे जाना, वहाँ पर आपको दिखेगा कौन सी गाड़ी है। बहुत सही गाड़ी है भाई, बजट वालों के लिए एक नंबर है। देखो ट्रैवल करते हुए क्या होता है कि धूल मिट्टी बहुत लगती है बाइक के ऊपर, तो वाइप्स कैरी करता हूँ मैं, और वाइप्स अभी यूज़ करके दिखाऊंगा, बिफोर आफ्टर देख लेना आप, मेरा नहीं वाइप्स का। देखो तो आप बोलोगे भाई तू वैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें देखना डस्ट कितनी एक्यूमुलेट हो जाएगी। ये देखो भाई, ये चेहरे से निकला हुआ है, तो ये कैरी किया करो जब ट्रैवल कर रहे हो। तो हम रेनॉल्ट शोरूम आ गए थे शूट करने अभी, और यहाँ पर देखो कौन सी वीडियो चल रही है ऑटो मॉडल्स की। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई, और अभी स्क्रीन पे कौन आएगा देखना, स्मार्ट कार। तो हम इस वक्त हैं किया में, और किया में हम एक और शूट कर रहे हैं। अभी हम रेनॉल्ट पे थे, अब हम किया पे हैं। 2:00 भी ऊपर मिनट हो चुके हैं, आई डोंट केयर, बहुत थक लग चुकी है, डिहाइड्रेटेड है काफ़ी, पानी पियेंगे अब, और देखते हैं फिर क्या करेंगे, हो सकता है एक और शूट करें। तो काफ़ी ज़रा हेक्टिक डे चल रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है, वर्क मोड ऑन है। तो भाई किया से अभी हम निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने शूट को समाप्त कर दिया है, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। और अभी फ्यूल भी चेक करते हैं, डिस्टेंस भी चेक करते हैं कितना है। सुबह से देख लो भाई हम इतना चल चुके हैं, और यहाँ पर तो अभी तक दिखा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। टैंक चेक करेंगे टैंक में कितना है, टैंक हमने फुल कराया था। अरे भाई रेडर 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 रेडर। तो भाई अभी हम रुके हैं जैन चिकंजी पीने, इसको पी के देखते हैं कैसी है, और चीयर्स ब्रो। एक बार पियोगे तो बार बार मंगोगे। गैस पूरी 20% गैस, गैस पूरी 20% गैस। सॉरी भाई ये बता तेरे को शिकंजी कैसी लग रही है? यार जहाँ हम पीते थे तुमने उसके बराबर तो नहीं है, मतलब प्रियांची फास्ट फूड की शिकंजी की बेटर देन जैन शिकंजी, बेटर देन जैन शिकंजी, क्योंकि जैन शिकंजी में गैस पूरी 20% गैस। एक बारी पियो के तू बार बार मांगो के? नहीं बिल्कुल नहीं ब्रो, क्या है ये, अभी चलो बर्गर सिंह चलते हैं वहाँ पे कुछ खाते हैं। कुल्फी को कोई मैच नहीं कर सकता, बर्गर खाने का प्लान कैंसिल किया, कुल्फी पे गए, एक नंबर स्वाद आ गया। क्यों छोरे भाई, एक नंबर मजा भाई। मेरठ पहुँच गए थे, और मेरठ जैसे ही पहुँचे ना एकदम से कुछ चीज़ उड़ते हुए आई और डंग मार ली यार, इतना गंदा दर्द हुआ ना भाई। मैं अभी फिर उतरा बाइक से एकदम रोकी, ट्रेडिशनली जो करते हैं वो रगड़ते हैं चाबी वाबी, और यहाँ पर क्या लगा रखा है, बेकिंग सोडा बोल के वो जो तम्बाकू सा चूना आता है ना वो लगा दिया लोगों ने। भाई 216 किलोमीटर आ चुके हैं, और जैसे भैया घुसे ना NCR में घुसे तो बारिश, और क्या फालतू बारिश थी यार, 5 मिनट के लिए हुई, देख लो पूरा भीग गया हूँ, क्या है यार, मधुमक्खी ने काट लिया मैंने, उसके बाद बारिश हो गई। चलो घर चलते हैं सीधा। तो भाई हम पहुंच चुके नोएडा, और टाइम दिखा दूं आपको, टाइम हो रहा है 7:41, डेट भी देख लो,
अब डेट आप देख रहे होंगे लेकिन व्लॉग पता नहीं कब आएगा क्योंकि थक चुके हैं। कोशिश करूंगा अभी डेट पे बैठ जाऊं, लेकिन 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 हालत पस्ता हो गई है यार। अभी एक चीज दिखाऊं आपको, ये देखो मेरा हाथ कैसे सूजा हुआ है, ये जहां पे उसने काटा था ना मधुमक्खी ने, साइड से देख रहे हो। लेकिन यार रेडर ने जो परफॉर्मेंस दिया है ना और जो माइलेज दिया है, आपको कल दिखाऊंगा सुबह वाले व्लॉग की शुरुआत ऐसे करूंगा ना, आपको दिखाऊंगा उसकी टंकी में कहां तक तेल बचा हुआ है, इंप्रेस हो जाओगे, शोरूम पे जाके गाड़ी खरीदोगे। खैर ये बातें ऑटो मॉडल्स पे अच्छी लगती हैं, उसको सब्सक्राइब कर लेना और इसको भी सब्सक्राइब कर लेना यार, ये व्लॉगिंग चैनल अच्छा लग रहा हो तो। फिलहाल एनसीआर में रहेंगे एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता, और दिल्ली की कहानियां देखनी अगर आपको और तो सब्सक्राइब कीजिए अमन बलूनी व्लॉग्स को। आने वाले धारावाहिकों में आपको पता लगेगा हमारे फ्यूचर एंडेवर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मजा आया होगा, स्वाद आ गया होगा जिंदगी में इसको देखकर, तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ताकि आप ऐसे व्लॉग्स मिस ना कर पाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर रहने की इस चैनल के ऊपर, क्योंकि व्लॉगिंग मेरे दिल के बहुत करीब है, मजा आता है। टाटा, टेक केयर, नमस्कार, सी यू इन अनदर व्लॉग।